हमारे देख सबसे पहला वो कंटेंट लिखने का मतलब अच्छा गाइस देखो आगे से कुत्ता आ रहा है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कितना पतला होना चाहिए? थोड़ा और थोड़ा वहीं पति कब से। हाय गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल दी राणा सिस्टर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे हों। मैं भी बढ़िया हूँ और अभी जस्ट मैं खाना खा के आई हूँ और हम बाहर जा रहे हैं मेरे कॉलेज के काम से और अभी दिन के 2:30 हो रहे हैं और धूप भी नहीं हो रही है। मौसम ठीक है, मतलब गर्मी सी लग रही है पर धूप है नहीं उतनी। और हम जैसे ही जाने लग जाते हैं प्राण का रोना स्टार्ट हो जाता है, तुमको तो पता ही है। चले चले गाइस। और ये लक्की भी आ रहा है हमारे साथ। हाय बोल दे लक्की। आप पीछे से सुन सकते हो कि प्रहान कैसे रोता है जब हम जाते हैं। क्या लेट हो रही पहली है तुम बच्चों की। चलो चले मम्मी की चप्पल तो निकालते यार। अरे तुम गई भाई मम्मी की चप्पल। मैं नहीं पहन लेता वही। कौन वो नहीं यार। हाँ। समझ रही है। तो मैं बिना मुंह धोए जा रही हूँ और मोंटी बिल्कुल मेकअप करके चल रही है। मेकअप यही क्या होगा, टचअप कर रखा है। टचअप चार साल का ला रहे हैं भर भर के। okay. रात भर 4:30 तक उठे रहना तो ऐसी तो होता है। ओके okay. मैं क्यों बनी हूँ यार ऐसी। मेरा तो घर मेरा मुंह धोने का भी मन नहीं होता है। लड़की हूँ तो औरत है मेरा मन मतलब वही। और फिर तो पहले लगता था ना लोग क्या बोले, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा इसलिए मैं चल लेती हूँ। तो पहले तो होती थी ना, अभी भी होती हूँ पर अब मैं थोड़े से काम के लिए क्या तैयार हूँ। ठीक है मैंने भी तो पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस जाने के लिए तो मैं आ रही हूँ तेरे साथ। वहाँ नहीं होंगे लोग, वहाँ भी होंगे लोग। सब्सक्राइबर मिल गया और तेरी ऐसी गंदी शक्ल देखी तो बोली जा रही है मेरे बहन मुंह तो धो के आती। तुम लोग वैसे भी तो रोज मेरे को व्लॉग में देखते हो ऐसी, बहुत कम ही तो मैं रेडी होती हूँ। पहचान जाएंगे वो मुझे अगर मेरी ऐसी शक्ल देखेंगे, है ना। दो साइड है मेरी, एक अगर और एक मेकअप, एक मेकअप अगर मैं रेडी होके आऊंगी तो वो मेरे को पहचान नहीं पाएंगे। वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ये नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसी आती हूँ व्लॉग्स में। तो गाइज मैं और दीप्ति फिर से आ गए हैं वॉक के लिए और अभी हम यहाँ पे बैंड के पास बैठे हैं। साल्ट बैंड क्या लिखा है यार इसमें, ज्ञानसु उपला बस्ती। इसको ज्ञानसु उपला बस्ती बोलते हैं क्या? ऐसा ही बोर्ड लगा है गाइस। तो बैठे हैं यहाँ पे अभी और आज मार्केट गए थे दिन में, कुछ भी काम नहीं हो पाया ना, पोस्ट ऑफिस वाला काम हुआ और ना ही मेरा दूसरा काम हुआ, बस मोंटी का काम हो गया था। तो उसके बाद तो अभी आ रही हूँ मैं जस्ट थोड़ी देर पहले। चल दीप्ति ब्रो। और तब तक दीपिका भी आ गई तो फिर मैं इधर आ गई वॉक पे। तो अभी करते हैं वॉक और आज थोड़ा सा हम जल्दी आए हैं ना, तो क्या पता हम आज थोड़ा सा आगे जाएंगे तो तुम्हें दिखाएंगे। ठीक है आज हम बोर्ड तक पहुंच गए। ओह गाइस देखो बसों का गांव का बोर्ड दिख गया है। आज हम गांव के वेलकम गेट तक भी पहुँच गए। तो मेरा गदेरा भी है जो कि पूरी तरह सूख रखा है, शायद जब बारिश होगी तभी आता ही है ना बहन। ये देखो सूखा हुआ है। यहाँ पर गांव की दुकानें जो कि बंद है और ये वेलकम गेट। ये मैं जा रही हूँ। सही है यार यहाँ पे बैठने के लिए भी। यहाँ मुझे लगा लकड़ी पत्ता सीमेंट का है ये। आ जा तू बैठ जा। गाइस देखो आगे से कुत्ता आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और पता नहीं क्यों ये जिस साइड हम चल रहे हैं उसी साइड आ रहा है। उसको मैं चाह रही थी देख रहे हो तुम उसको वो बाइक के पास, पर मेरे को ऐसे डर लगे। मुड़ गया क्या ब्रो? नहीं मुड़ा, दिखने का अच्छा था पर डर लगती है यार। गांव वाले कुत्ते ना अटैक वटैक कर लिया तो
यहाँ पे कोई रास्ते में सुनसान सड़क है, बचाने वाले भी नहीं आएंगे गाँव वाले। जब तक वहाँ से पहुँचे तब तक तो टांग लेके भाग भी जाएगा। गाँव के प्रधान ने सुविधा बढ़िया करी हुई यार, एक चेयर आगे पे है, दो चेयर यहाँ पे है बैठने के लिए। ब्रो अब इधर कहाँ जा रही हाँ? इधर जाना चाहिए हमें क्या? डर सी लग रही है उधर देख के, अंधेरा अंधेरा सा है। क्या मतलब है अभी तक भी इनका गांव नहीं आया? आगे है गांव। हाँ आगे है गांव। ओके हम बढ़िया यहीं पे बैठते हैं यार। अब आगे कहाँ जाएंगे? इधर छोड़, कुत्ते वत्ते मिल गए गांव वाले। इधर ही सही है। ये सारा पसीना आएगा इस मेरे सर में जो दिख रहे हैं गीले बाल। और इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, मैं ही महसूस कर सकती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है। गाइस थोड़ी देर आराम करने के बाद हम चल रहे हैं और ये मेरी यहाँ पे मिमिक्री कर रही है, ये बोल रही है अब तो ऐसे बोलने बोलेगी कि हम जा रहे हैं तुम्हें भी। हाँ मेरे पे कांटे लग गए। धन्यवाद यार। ऐसा पहन रखा साली ने, इस पे चिपकते ही है। भाई ये कैसे कांटे हैं, मुझे नहीं पता था ये कांटे होंगे। मैं तो उस पेड़ से टकराई थी, पौधे से मतलब, ये वाला पौधा। यहाँ पे देख इसमें तो प्यारे प्यारे से फूल भी हैं, फूल लगने की जगह कांटे दे दिए उसने। है बहन का आपके हम बहुत आपके हम बहुत आभारी हैं। और अभी हम चल रहे हैं घर, तो मिलते हैं तुम्हें घर पे। आज हम काफ़ी आगे तक भी आए थे और बारिश की, अभी मुझे बारिश की बूंद फील भी। अच्छा तुझे वहीं पे फील हो गई थी? हाँ बड़े तेज हो, रात भी तो हो रही यार, पौने सात हो गए। हाँ इधर अंधेरा भी जल्दी पड़ जाता है, हमने घर की साइड अंधेरा नहीं लगता, वहाँ नहीं लगता। हाँ हाँ बेटा हाँ छोड़ दो, आप आपको व्लॉगिंग करनी है। यार मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हें काट दूँ। क्या लगता है मम्मी आपको, मुझे ये काट देने चाहिए? बिल्कुल काट ही देती हूँ, परेशान हो गई मैं इनसे। इरिटेट कर दिया इन छोटे छोटे बालों ने, यहाँ देख ऐसे खड़े रहते हैं आगे से। हाँ इतनी बेइज्जती लगती है मुझे ये बाल, अब जब तक पीछे थे तब तक अच्छे थे। हाँ अरे नानी बहुत टाइम लगाते हैं इनमें, बहुत टाइम लगता है। वैक्स करा दे, तेरे सर पे कर दूं वैक्स? बता कर दूं? वैसे भी तुझे जरूरत है। मेरे टकला देख ले, टकला तो है, टकला मतलब मेरा सुंदर फोरहेड देख क्या ऐसे बोल रही है। लेकिन भाई यार अब गलत बात कर दी है ये, क्यों तेरे पास पहले मूड भी है जो खराब होगा। नानी के मिस्त्री का काम कर रही है, नानी को बता रही हूँ। बहुत बुरा लगता है उसको देख के ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रही है। नानी पतली हुई मैं, काला हो रही है स्कूल जा जाती। ओह माय गॉड तू कैसे लग रहा है मेरे सामने, इसी बात की तो खुशी है ब्रो। अभी स्कूल जाना बंद कर दूंगा, मैं आऊंगी ना काली लग। तुम को प्रमोट कर रहे हो गाइस, वेरी बैड। नहीं तू कर रही है, मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो, मैंने तो बोला नहीं। नानी पतली होई, पतली हो गई नानी, मैं बदबू आ रही है। नानी बोलना, हूँ क्या कर रही, ऊंची पतली हूँ कि ज्यादा पतली हूँ? नानी गेंडे जैसी हूँ मैं, सुंदर हूँ नानी? कितना पतला होना चाहिए, थोड़ा और, थोड़ा वही पति। कब से कितनी से?
अच्छा आपको मैं पतली लग रही हाँ? मैं तो अपने आप को भयंकर मोटा समझ रही हूँ। मेरी शक्ल कितनी गंदी, मेरे को समझ में नहीं आता मैं ऐसे क्यों। नानी मेरा मुंह धोने का मन नहीं करता यार नानी मेरा। अबे ऐसा ही अभी सामने पहन के तो काली हो जाएगी। जलते हो यार तुम, तुम्हारी तो जिंदगी भर जलन रही है भाई। गलत बात है नानी, तुम चुप रहो यार। तो बढ़िया तू? बढ़िया हूँ यार, आपसे बढ़िया। आप भी थे नहीं जवान कभी? मेरी तरह ही थे नहीं बोले हैं आप तो अभी भी ऐसी हो ना। नहीं कोई कमी नहीं, मैं क्या कह रही, मैं कह रही तेरे को क्या हो गया ब्राह्मण, अब फिर से कुछ कर दोगे फिर आप फिर रोओगे। चुप करना, पतली कब होंगी नानी? जब काम कर रहे थे काम, खेत आ जाऊं आप तेरे साथ। चलो बेटा छोड़ दो उसको, चलो मुंह धोएंगे अब, गंदा है यहाँ पे। चल बेटे क्लीन कर दे, चल बेबी कम ऑन बेबी, चलो चलो बेबी मुंह धोएंगे आपका। रुक मेरे साथ, टकला दिखा रही है उसका। लकी गीला कर देगा उसको तू, लकी लकी धारा भाई जोगेंद्र धारे से ना होगा तू, यहाँ देख उसकी छाती में ठंड घुसती, फिर कर दिया ना गी। छाती के पास देख पूरा गीला हो गया, अब मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे उसके। चल ब्रो नहीं थाई, नहीं थाई नो थाना थाई, चलो गुड नहीं बोलो, चलो चलो गुड नाइट। पढ़ाई करूंगा मैं तो मम्मा, ये तो सारे मेरी ज्योग्राफी के नोट्स वगैरह हैं। कितना पढ़ा था मैंने एक रात में, तू देख रही है बोर्ड एग्जाम के, एक ही रात में पढ़ सकती है ब्रो। हमारे देख सबसे पहला वो कंटेंट लिखने का मतलब। अच्छा हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, न्यू चैनल वेलकम। फिर काट दिया हो? हां फिर काट दिया, जिस दिन हमने पहले दिन भी पहली वीडियो बनाई थी ना। हां दी राना सिस्टर, आई एम अर्चना राना, शी इज क्या, शी इज वी आर लाइक ओम। पहला कंटेंट हमारा किसी लिख रखा हमने एक हेलो गाइस वेलकम बैक टू, अच्छा वेलकम टू अवर न्यू चैनल दी राना सिस्टर। उस दिन समझ में ही नहीं आ रहा था ना कैसे करना है। जिस दिन हमने पहले दिन मतलब अपना वीडियो पोस्ट करा था, फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे, सीरियसली मतलब पता नहीं हमने कितने टेक लिए होंगे, लाइक हमने लिख रखा है इधर, दिखा मैं दिखा रही हूँ ऐसे ऐसे, उस दिन देख लो तो ऐसे लिखा था हमने प्रॉपर ऐसे ऐसे किस चीज़ पर बेस्ड है चैनल ऐसे करके ना। चलो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त, सोने का टाइम हो गया है, आप लोग भी सो जाओ। चलो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।